हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं आज आपको फोटोशॉप में इस तरह के मशरूम में लाइट इफेक्ट कैसे करेंगे ये सिखाऊंगा। आप सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। विड्थ होगी 1920 पिक्सल्स, हाइट होगी 1080 और रेजोल्यूशन रखेंगे हम 72। क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हम एक पिक लेंगे इसमें इस तरीके, इसका सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें मार्क्स लगा देंगे। मार्क्स लगाने के बाद हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल टी से इसको रोटेट करके एडजस्ट करेंगे। थोड़ा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से साइज बढ़ाएंगे हम। थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम बैकग्राउंड में एक पिक लेंगे इस तरीके की, और उसका हम साइज बढ़ा लेते हैं। इसको हम बढ़ाएंगे इस तरीके से। इसको हम नीचे वाली लेयर में लाएंगे। नीचे वाली लेयर में लाने के बाद हम फिल्टर में जाके ब्लर, गोजन ब्लर, तो इसको हम इस तरीके से ब्लर रखेंगे। ब्लर रखने के बाद हम इसमें एक पिक लेंगे मशरूम की इस तरीके से। पिक लेने के बाद हम इसको सिलेक्ट, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्विक सिलेक्शन टूल में आके हम इसका साइज बढ़ा लेंगे, और यहाँ से हम रखेंगे प्लस। इस तरीके से हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। इसको ऐसे हम इधर से कट करेंगे और इस जगह हम एडजस्ट करेंगे। कंट्रोल टी से हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। उसको हम रखेंगे सबसे ऊपर वाली लेयर में। कंट्रोल टी से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं साइज। एडजस्ट करेंगे हम। एडजस्ट करने के बाद हम इसमें एक मार्क्स लगाएंगे। मार्क्स लगाने के बाद हम ब्रश टूल में आएंगे। 100 फ्रांड ब्रश टूल रखेंगे और ओपेसिटी होगी हमारी 3.5। फ्लो रखेंगे हम 100 और स्मूथिंग होगी हमारी 10%। यहाँ से हम रखेंगे कलर ब्लैक। उस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद हम इसमें, इसके बाद एक और पिक लेंगे हम इस तरीके की। पिक का मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। उसको हम करेंगे कन्वर्ट टू लेयर, लेयर में कन्वर्ट, और इसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हम कंट्रोल टी से इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे, और इसको हम नीचे वाली लेयर में ला देंगे मशरूम की, और कंट्रोल टी से हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। और हम इस तरीके से कंट्रोल टी से नीचे वाले इसको थोड़ा एडजस्ट हम इसको बढ़ा लेंगे।
उड़ाने के बाद इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम मशरूम में आके, ब्रश टूल में आके इस तरीके से हम थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसको आगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और उसको हम थोड़ा साइज इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद ऊपर वाली लेयर में आके हम बूस्ट टूल में आएंगे और इस तरीके से इस शेडो हटा लेंगे कार का, गाड़ी का। एडजस्ट हटाने के बाद हम इसमें एक और पिक लेंगे हम। इसके बाद हम एक ऐसी पिक ले लेते हैं फोटोशॉप में आके, उसका हम साइज बढ़ा लेते हैं और हम इसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिल्टर में आके हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे क्विक सिलेक्शन टूल में, और इस तरीके से हम नीचे वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका लेंगे एक मास्क, उसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल टी से इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे और इसका हम साइज थोड़ा कम कर देंगे। कम करने के बाद हम इस तरीके से मशरूम में आएंगे, इधर लेंगे हम सॉलिड कलर इस तरीके से, और इसको हम कंट्रोल अल्टर जी से भी क्रिएटिंग क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके भी हम क्रिएटिंग क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। और हम रखेंगे यहाँ से लीनियर डॉज ऐड करेंगे हम। ऐड करने के बाद हम साइड में आके इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम ऑल्ट से हम इसमें मार्क्स लेंगे। मार्क्स लेने के बाद हम ब्रश टूल में आएंगे और ब्रश का हम साइज थोड़ा कम करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से कलर रखेंगे हम वाइट। इस तरीके से हम इसमें शेडो लगाएंगे। इस तरीके से इसके बाद हम नीचे वाले लेयर में आके एक लेयर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे पॉलीगोनल लॉस टूल में, और इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें आके ग्रेडियंट कलर लगाएंगे। थोड़ा लाइट रखेंगे हम। लाइट रखने के बाद रिवर्स में आएंगे। रिवर्स में आगे ओके करके हम फिल्टर में आएंगे, ब्लर गोजन ब्लर, उसको हम ब्लर रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं एक लेयर ले लेता हूँ इस तरीके से। लेयर लेने के बाद हम ब्रश टूल में आएंगे और ब्रश टूल का हम साइज बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से, और कंट्रोल टी से हम इसको कंट्रोल से इसको ऐसे एडजस्ट करके, और इस तरीके से हम करके इसको ओवरले करके, ओवरले करने के बाद हम इसमें हम एक और ब्रश टूल में आएंगे और शेडो लगाएंगे एक और।
एक और लिया लेंगे हम इसमें, कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ भी ले सकते हैं आप, और इस तरीके से यहाँ से भी ले सकते हैं। लेने के बाद आप कंट्रोल टी से इसको भी कंट्रोल से एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, और इसको भी आप करेंगे यहाँ से ओवरले। ओवरले करने के बाद हम इसमें एक और पिक लेंगे इस तरीके की, लाइट इफेक्ट करेंगे हम। इसको हम यहाँ से रखेंगे स्क्रीन, और इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे एरो से। उसका साइज आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइज छोटा करने के बाद हम ऑल से एक और डुप्लीकेट लेंगे इसकी इस तरीके से, एरो से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम शिफ्ट के साथ सारी लेयर को कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। तो ये देखें, फोटोशॉप में मशरूम लाइट इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।